हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन में। यह टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण शैक्षिक अभिरुचि अभिवृत्ति का वीडियो है। इसमें हम यूनिट 2 छात्रों के प्रति अभिव्यक्ति पार्ट 4 के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं फॉर ऑल टीचिंग एबिलिटी टेस्ट, स्टेट का हो, CET हो, UGC नेट हो, सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। 61 छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? ए काम में लगन, बी आत्मविश्वास, सी श्रम का महत्व, डी धर्म अनुराग। अब देखिए, इसमें जो सारे जो ऑप्शन हैं सही हैं। काम में लगन भी बच्चों के में होना चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, श्रम का महत्व भी जरूरी है और धर्मानुराग सभी जरूरी है। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण या उपयुक्त ऑप्शन है वो क्या है बताइए? बी आत्मविश्वास। क्योंकि जब आत्मविश्वास से ही कोई भी जंग जीती जा सकती है। जिस दिन आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग। ओके, 62 छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए, माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, डी मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? डी। तो इसके पहले वाले वीडियो में इसी यूनिट का क्वेश्चन था कि बच्चों के साथ शिक्षक का कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो उसमें पिता जैसा था। लेकिन इसका आंसर क्या है? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन अलग अलग हैं। इसमें जनरली टीचर का जो व्यवहार है सब बच्चों के साथ में पिता जैसा होना चाहिए, लेकिन छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ, यदि बच्चे आत्मविश्वास खो रहे हैं तो उस समय आपको क्या करना है? एक मित्रवत व्यवहार करना है। ओके, 63 कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक कि ए उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, बी उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, सी उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, डी श्यामपट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। तो सबसे ज़रूरी टीचर का यही है कि कक्षा में जो भी पढ़ाने वाला है तो उसके 2 या 5 मिनट तक ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएँ कि बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा बड़े की सर क्या पढ़ाने वाले हैं। ओके, 64 विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थी की सुरक्षा बढ़े, बी देखरेख ठीक से हो सके, सी जानकारी और कुशलता बढ़े, डी प्रतिष्ठा बढ़े। करेक्ट आंसर इज सी जानकारी और कुशलता बढ़े। 65 शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित व्यवस्था हो, बी उसके भोजन व आवास की व्यवस्था हो, सी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, डी आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो। करेक्ट आंसर इज ए कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित व्यवस्था होने चाहिए। जो हैंडीकैप्ड होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, जिनको अब विकलांग की जगह दिवांग बोलने लगे हैं, है ना, तो उनको। 66 एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमज़ोर है तो आपको क्या करना चाहिए? ए उससे कहें कि गणित में अधिक परिश्रम करे, बी उससे कहें कि गणित की कक्षा में अधिक ध्यान दे, सी उसके माता पिता से इस बात पर विचार विमर्श करें, डी उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं। करेक्ट आंसर इज डी उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं कि उस क्या कारण है कि उससे गणित
नहीं बनता, महत्व नहीं बनता। 67, एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए कि ए उनकी जगह सीट बदल दे, बी उनके माता पिता को सूचित करे, सी उनकी जगह बदलने को मना कर दें, डी बच्चों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखना चाहिए। करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि बच्चे जब एक साथ, तो हमें टीचर की कोशिश होना चाहिए कि बच्चे झगड़े नहीं, आपस में रहने सीखना चाहिए उनको। 68, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? ए प्राचार्य से उसके निष्कासन की संस्तुति करेंगे, बी तुरंत उसे सजा देंगे, डी सी कारणों का पता करके उपचारात्मक कदम उठाएंगे, डी अभिभावक को सूचित करेंगे। करेक्ट आंसर इज सी, कारणों का पता करके उपचारात्मक कदम उठाएंगे। ओके, कि किस कारण से बच्चा दुर्व्यवहार कर रहा है। 69, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? ए सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे, बी मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, सी इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, डी इस पर पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। करेक्ट आंसर इज ए, सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे, यह सबसे उपयुक्त है, क्योंकि बच्चे देखकर सीखते हैं, पढ़कर उतना नहीं, देखकर सीखते हैं। 70, शुद्ध भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने वाले छात्र के साथ क्या व्यवहार करेंगे? ए ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, बी मातृभाषा का प्रयोग ना करने वाले छात्रों को दंड देंगे, सी उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे, डी अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में बैठने को कहेंगे। करेक्ट आंसर इज सी, उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे। 71, छात्रों की अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? ए घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, बी केवल मातृभाषा की पुस्तकों का ही प्रयोग करें, सी मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें, डी उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब अन्य भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा तो वह मातृभाषा जो है वो बिगड़ जाएगी। 72, आप एक युवा अध्यापक हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? ए हम उम्र होने के कारण छात्रों को व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, बी अपनी धनी होने का रोब डालेंगे, सी हर दम सज सवर कर विद्यालय आएंगे, डी छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे। करेक्ट आंसर इज ए, हम उम्र होने के कारण छात्रों को व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे। ओके थैंक्स। 73, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि ए कक्षा से चला जाए, बी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, सी शिक्षण विधि बदल दे, डी कक्षा में कोई अन्य कार्य आरंभ कर दे। तो करेक्ट आंसर इज सी, शिक्षण विधि बदले। बच्चे यदि रुचि नहीं ले रहे आपके पीरियड में, तो आपको क्या करना है, जो टीचिंग मेथड है उसको चेंज करना है। 74, यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप ए अधिक शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, बी कम शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, सी इस पर ध्यान नहीं देंगे, डी
उन दोनों समूहों में मित्रता करवा देने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इज डी, उन दोनों समूहों में मित्रता करवा देने का प्रयास करेंगे कि वो एक हो जाएं। 75 छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है, ए परीक्षा प्रश्न से, बी मूल्यांकन के उपकरण से, सी विचार विमर्श से, डी अभिभावक परामर्श से। करेक्ट आंसर इज सी विचार विमर्श से, क्योंकि परीक्षा में हमें बच्चों का उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम उनसे विचार विमर्श करेंगे, बात आपस में बातचीत करेंगे, तो सही उनकी योग्यता का पता लगेगा। 76 शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ए अच्छा अनुशासन रखना, बी छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, सी समय का पाबंद होना, डी अच्छा वक्ता होना। करेक्ट आंसर इज बी छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, यह सबसे उपयुक्त है। 77 छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में ए उन्मुक्त वातावरण रखे, बी छात्रों को नियंत्रण रखे, सी उन्हें परंपराओं से हटने ना दे, डी कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करे। करेक्ट आंसर इज बी कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करे। 78 कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, ए स्वतंत्र रूप से विचार करना, बी विनयशीलता, सी आज्ञाकारिता, डी परिश्रमी। तो आप देखिए इस क्वेश्चन के भी सारे विकल्प सही हैं, तो सबसे प्रभावी क्या या सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर इज ए स्वतंत्र रूप से विचार करना, मतलब सबसे जरूरी है कि व्यक्ति एक स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रूप से सोचे, तो उसका विकास जल्दी होता है। 78 यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी, ए प्राचार्य को सूचित करेंगे, बी अभिभावकों को सूचित करेंगे, सी मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे, डी सह शिक्षा को बंद कर देंगे। तो करेक्ट आंसर इज सी मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे। 80 मान लीजिए आपकी कक्षा एक छात्र अपनी पाठ्यपुस्तक घर पर भूल जाता है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, ए आप स्वयं उसके लिए एक पाठ्यपुस्तक खरीद देंगे, बी आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे, सी आप उसे तत्काल कक्षा से बाहर निकाल देंगे, डी आप बिना कारण पूछे कक्षा में ही डांटेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, बी आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे। इट मींस दैट जो सैंपल पेपर आपके लिए आते हैं, सैंपल के लिए बुक आती हैं, वो आप उनको दे सकते हैं। तो यहाँ हमारे यह वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। इस यूनिट के 4 पार्ट बने हुए हैं, फर्स्ट में 20, सेकंड में 20, थर्ड में 20 और फोर्थ पार्ट में 20 हैं। ऐसे पूरे 80 क्वेश्चंस हैं। तो वह वीडियो आपने नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।